छतरपुर में ट्रक और बस की टक्कर होने से भीषण हादसा हो गया। टक्कर के बाद बस खाई में गिर गई। बस को क्रेन की मदद से निकाला गया। छतरपुर के बागेश्वर धाम तिराहा झांसी खजुराहो फोर लेन पर भीषण सड़क हादसा हो गया। ट्रक का टायर फटने से ट्रक की बस के साथ टक्कर हो गई। ट्रक और बस की टक्कर होने से बस खाई में जा गिरी, जिससे 20 से अधिक यात्री घायल हो गए। साथ ही हादसे में एक बच्चे की हालत गंभीर हो गई है। बस रीवा से ग्वालियर के लिए जा रही थी। जानकारी लगने पर मौके पर खजुराहो SDOP सलील शर्मा सहित भारी पुलिस बल पहुंचा। ग्रामीण और पुलिस की सहायता से यात्रियों को बस से बाहर निकाला गया। क्रेन से बस को खाई से निकाला गया। यह घटना बमीठा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। हम लोग बागेश्वर से, हम और आलोक तिवारी दोनों लोग बागेश्वर से मोटरसाइकिल से आ रहे थे। उस साइड से तो बस उसके 100 मीटर दूर हम लोग मोटरसाइकिल से, पीछे से ट्रक का तार घला, वो ट्रक आके सीधे बस में घल गया। और बस जैसे ही पलटी तो हमने आलोक से कहा कि यार बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। बोले अरे यहाँ कछु नहीं, हम लोग यहाँ वापस चलो। तो सीधे लौट के आए तो यहाँ जब देखा तो हम लोग घबरा गए एकदम से। जैसे ही SDOP साहब वहाँ, जैसे ही गाड़ी निकली तो हम लोगों ने SDO साहब को रोका। SDO साहब रोके तो SDO साहब को लगा कि जैसे बस है, जब ट्रक है। फिर देखा कि अरे ये तो बस है। हम लोगों ने कहा, तत्काल वो उन्होंने फ़ोन लगाया और हम लोगों को दृढ़ता बनाई और हम लोग हिम्मत करके हम दोनों ने, फिर ग्रामीण सब लोग आ गए तो सब ने एक एक कर सब लोगों को निकाला। ग्रामीण जनों ने यहाँ आलोक तिवारी और अन्य जो ग्रामीण बमीठा के लोग के द्वारा अवगत कराया गया, तो हम लोगों ने सभी एजेंसियों को, थाना प्रभारी और अन्य लोगों को सूचित किया। NHAI का वो बुलवाया और जब तक वो आते, एक बच्चे को छोड़ के हमने गाँव वालों की मदद से पुलिस ने सभी लोगों को सुरक्षित रूप से निकाल लिया था। जिनको चोट लगी उनको एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल भेज दिया गया है और सभी सुरक्षित हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।